क्वेश्चन में जैसे पहले तो बेस के और एसिड के मिलीमोल्स देख लीजिए। जो मिलीमोल्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं MVML। मोलरिटी क्या होती है? मिलीमोल्स और मिलीलीटर। तो यहां से अगर इसको गौर किया जाए तो BOH होल ट्वाइस इसके कितने हो गए, 20 × 0.2 है ना, और × 2। अपन उसमें भी पर्टिकुलर किसके देख रहे हैं, OH माइनस और H प्लस के। तो BOH होल ट्वाइस के मिलीमोल्स 20 × 0.2 है, 2 का इसमें जो है बेस का एसिडिटी है तो 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 × 2/10 × 2, तो ये हमारे 8 इसके मिलीमोल्स हो गए। H प्लस के 3 मिलीमोल्स हो गए। तो मैच किसने जीता, बेस और एसिड में से? बेस ने। कितना डिफरेंस मिलीमोल हो गया, 5। तो ये 5 मिलीमोल क्या करेगा फाइनल वॉल्यूम में, फाइनल मोलरिटी इसकी दे देगा। तो ये 10⁻¹m, तो 10⁻⁶ POH। तो अगर POH इसमें 1 हो गया तो pH कितना हो गया, 13। बेसिक का pH ग्रेटर देन 7 ही जो है वो आना चाहिए। और इसके बाद B में आइए, ऐसे ही अपन इनके मिलीमोल्स देख रहे हैं। तो HCl का कितना हो गया H प्लस में 0.2, और इसमें भी 20, और जो है वो × 0.01। तो अगेन इसका भी 0.2 हो गया। तो ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, दोनों H प्लस और OH माइनस के सॉल्यूशन में मिलीमोल सेम है, क्योंकि SROH होल्ड टॉइस तो अगेन 2 से करना पड़ेगा। जितने SROH होल्ड टॉइस के मिलीमोल्स होंगे OH माइनस के, उससे जो है वो डबल हो जाएंगे। तो यहां अपन ने वो 2 के फैक्टर को इसमें इंक्लूड कर लिया और ऐसे सॉल्व करके देखा। इसी प्रकार से आखिरी को करते हैं, सी को। इसमें H प्लस के मिलीमोल्स H2SO4 से डबल होंगे, क्यों, क्योंकि जो फैक्टर है वो 2 का है। तो यहां पे जो है वो 1/10 से 1 मिलीमोल हो गया, 1 मिलीमोल हो गया, तो एटोमिसिटी है इसलिए ये 2 आ गया। और ये यहां पे जो है वो OH माइनस का 1 मिलीमोल है। अब इसके अंदर जो है एसिड विक्टोरियस है, तो रिजल्ट 10 मिलीमोल्स, 2 − 1 = 1 हो गए। रिजल्ट 10 वॉल्यूम कितना है, 10 + 10 = 20। इस पूरे का नेगेटिव लॉग लीजिए तो pH मेरा हो गया यहां पे log 20। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 2 + log 10। ये वैल्यू है 0.3, ये वैल्यू है 1। तो फाइनली pH आंसर विल बी 1.3।